हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्ले स्कूल एक्टिविटीज़ में कैटेगरी होती है फाइन मोटर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि जिसमें बच्चों के जो फाइन मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, छोटे छोटे मूवमेंट्स को। एक कैटेगरी होती है ग्रॉस मोटर, जिसमें कि बड़े मूवमेंट जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फाइन मोटर में छोटे छोटे मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ एक्टिविटी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप ये फाइन मोटर डेवलपमेंट बच्चे का करा सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के लिए आपको किसी भी टॉयज़ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जीरो से मिनिमल बजट एक्टिविटीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है प्लेडो। प्लेडो बच्चे के फाइन मोटर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप बहुत तरीके से बच्चे के साथ खेल सकते हैं। जैसे या तो आप बच्चे को स्क्वीज़ करने के लिए दे सकते हैं, तो बच्चा अगर प्लेडो को स्क्वीज़ करता है तो अपने फिंगर मसल्स यूज़ कर रहा है, या फिर आप उन प्लेडो में कुछ भी कोई भी चीज़ स्टिक कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें लगा दीजिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और उसमें आप बच्चा फिर धीरे धीरे करके एक एक करके उसको निकालेगा, तो वो भी बच्चे के फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद बच्चा अगर कोई चीज़ पील करता है तो वो भी बच्चे के फाइन मोटर डेवलपमेंट में काम आते हैं, जैसे कि क्रेयॉन्स कलर आप उनको दे सकते हैं और उसका पेपर जो है वो बच्चे उसको निकाल सकते हैं, वो उनको निकालना पसंद भी आता है, और उसमें आप देख रहे हैं जैसे कि बच्चा फिंगर ही यूज़ कर रहा है। उसके बाद बनाना आप बच्चे को पील करने के लिए दे सकते हैं, ये एक लाइफ स्किल एक्टिविटी भी है और बच्चे के फिंगर्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर ये पॉम्पॉम एक्टिविटी आती है। आप कोई भी चिमटा, बच्चे का प्लास्टिक का भी आता है, किचन सेट में टोंग आता है, चिमटा आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उससे बच्चे एक एक उठाकर इस तरह का जो एग का ट्रे है, ये तो बिल्कुल वेस्ट ही प्रोडक्ट होता है, तो इससे इसको आप बस एक एक उठाकर बच्चा एक हर एक उसमें डालेगा, तो ये एक्टिविटी में बच्चे बिजी भी रहते हैं और उनको ये मज़ा भी आता है और उनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है इस तरह का जो विस्कर होता है, आप उसमें इन पॉम्पॉम्स को डाल दीजिए और बच्चा अपने दो फिंगर को यूज़ करके उसमें से एक एक करके निकालेगा, तो इसमें बच्चा काफ़ी देर तक इंगेज भी रहता है और बच्चे को मज़ा भी आता है। उसके बाद जो मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं या फिर जो फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, आप उनको फ्रिज पे लगाइए और बच्चे को बोलिए उसको निकालने के लिए, तो उसमें भी आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चा फिंगर ही यूज़ कर रहा है, तो ये भी बच्चे को हेल्प करता है इस एक्टिविटी में। उसके बाद टॉयज़ रेस्क्यू करना, यानी कि टॉयज़ को आप रख दीजिए और ऊपर से टेप लगा दीजिए, ये आपने मेरे पहले के वीडियोस में भी देखा होगा, और बच्चे को बस सेलो टेप को निकालना है, तो उसमें भी बच्चा दो या तीन फिंगर यूज़ करके ही करता है, तो ये भी एक्टिविटी आप घर पे इजीली करा सकते हैं। उसके बाद सीज़र स्किल, यानी कि बच्चे को आप सीज़र बस होल्ड करना सिखा सकते हैं, उसमें फिंगर्स डालकर बस उसको ओपन करना क्लोज करना सिखा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ सीज़र होता है, पेपर कटिंग सीज़र होता है, तो इससे स्किन भी नहीं कट होगा। उसके बाद वुडन पज़ल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें जो ऊपर हैंडल दिया है पकड़ने के लिए, उसको बच्चा पकड़ने के लिए सिर्फ अपने दो फिंगर यूज़ करता है, तो ये भी बच्चे को हेल्प करती है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।